नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्मार्टफोन के एक स्मार्ट फीचर के बारे में। तो उस स्मार्ट फीचर का नाम है ऑटो ईयर पिकअप कॉल। तो ऑटो ईयर पिकअप कॉल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ऑटो ईयर पिकअप कॉल अगर आपके मोबाइल में ऑन है तो आपको इनकमिंग कॉल रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल जैसे ही आप कान के पास ले जाओगे, आपकी कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, आपको मैन्युअली रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फीचर को कैसे इनेबल करना है, कैसे ऑन करना है आपके मोबाइल में और कहाँ पर ये फीचर जो है देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ एक घंटी का आइकन मिलेगा उसको ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो स्मार्ट फीचर को ऑन करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर। आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लेनी है, तो मैंने सेटिंग ओपन कर ली है और सेटिंग में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कन्वेंस टूल का, तो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। कन्वेंस टूल, इसको आप ओपन कर लीजिए। इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा गेस्चर एंड मोशंस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको ऑटो ईयर रिसीव कॉल, ऑटो ईयर पिकअप कॉल, इसको आप ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका मोबाइल आपके कान के नज़दीक पहुँचेगा आपकी कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। और इसके नीचे एक और सेटिंग है, उसके बारे में बता देता हूँ। इसके नीचे एक सेटिंग और है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर, इसको ऑन कर देते हैं आप तो इससे क्या होगा, आप जब भी स्पीकर मोड पर बात करेंगे और स्पीकर मोड पर बात करते हुए अपना मोबाइल कान के पास आप ले जाएंगे तो आपका मोबाइल रिसीवर मोड पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक कमाल के फीचर हैं, आप इनको ऑन करके रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। और फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।